सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी सोच। खामोश रहने का एक अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते, लेकिन उनके बिना बड़ी इमारतों का खड़ा होना भी मुश्किल है। सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। आज का पंचांग 21 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:59 से 3:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मकर राशि 21 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, आपका पारिवारिक समय अभी समृद्ध है। आप उदार महसूस कर रहे हैं और दूसरों के साथ भोजन और अन्य सामान शेयर करने के लिए तैयार हैं। अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने या कोई शो देखकर अपने कला के प्रति प्यार को संतुष्ट करें। आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करें। बुरे लोगों के विचारों को अपने मन में जगह मत दो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अपने विचारों से उनके दिमाग में जगह बनाओ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। संतान के करियर संबंधित भी किसी समस्या का हल जरूर निकलेगा। अपने कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव के कारण लोगों को आपकी भावनाओं को समझ पाना कठिन हो रहा है। फिलहाल जब तक बातें आपके समझ में ना आए तब तक किसी के साथ भी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों का आप पर गहरा असर होता है, इसलिए फिलहाल जो लोग आपको समझ पाते हैं ऐसे लोगों के साथ ही वक्त बिताना आपके लिए ठीक रहेगा। सावधानियां, भाइयों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। धैर्य बनाकर रखें तथा किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी मध्यस्थता में जरूर शामिल करें। निवेश संबंधित नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय परिवार आपकी प्राथमिकता है, किंतु ऐसे में खुद और अपने साथी को समय देना ना भूलें। अपने साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाने से रोमांटिक और कुछ नहीं हो सकता। अपने साथी को खुश रखकर ही आप प्रसन्न रहेंगे। आज भाई बहन की परेशानियों को भी सुलझाएंगे। आपके लिए सफलता आपके परिवार से जुड़ी हुई है, इसके लिए आपको खुद के आराम और अपने परिजनों की देखभाल व स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आज आप पर रोमांस का खुमार इस तरह से छाएगा कि आप दुनिया भी भूल बैठेंगी। कोई भी नई शुरुआत के लिए भी आज का दिन बेहतरीन है। बात करते हैं करियर की। वित्तीय बैंकिंग पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए आज के दिन जुनून ऊर्जा और नया जोश लेकर आया है। जहां सफलता आपका पीछा कर रही है
अपने अच्छे विचारों और आचरण से आप सबके दिलों में जगह बना लेंगी। भाई बहन की परेशानियों को चुटकी में हल करने में आप सफल हैं, चुटकी में हल करने में आप सक्षम हैं। व्यावसायिक रूप से आज आप अलग ही स्तर पर हैं, क्योंकि आपकी सभी योजनाएं और नवीनतम विचार आपका प्लस पॉइंट है। आपके सहयोगी और सहकर्मी आपके सहायता करेंगे और साथ ही आपको तारीफ भी मिलेगी। आपके द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम आपके लाभ की शुरुआत है। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आगे बढ़कर उसे हासिल करें। बात करते हैं सेहत की। आज आपके प्रियजन छोटी छोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। उन्हें ज्यादा तापमान, ठंडे पेय और ज्यादा मिठाइयों से दूर रखें। उन्हें कफ या कोल्ड की परेशानी भी उभर सकती है। सावधानी से बचाव अच्छा तरीका है। आज का उपाय, आज आप बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।